हेलो व्यूअर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जो कि आपकी वेट लॉस में, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मूंग की दाल को ले लिया है। तो ये बिना छिलके की मूंग की दाल है और इसको 2 घंटे मैंने पानी में सोख करके रखा है और इसको अच्छे से वॉश करके यहाँ पर मैंने रख लिया है। तो आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी सोख कर सकते हैं, बट 2 घंटे में ये ईजिली अच्छे से फूल जाती है। तो अभी हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इस दाल को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ मैं सारी दाल इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी और ध्यान रखिए कि इसमें हमें पानी का ऐड बिल्कुल नहीं करना है। तो इसमें हमें पानी यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये दाल इतनी सॉफ्ट होती है, अगर हम इसको ग्राइंड करेंगे तो ये ईजिली ग्राइंड भी हो जाती है। तो यहाँ देखिए, सारी दाल को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसका बचा हुआ पानी मैं अलग रख देती हूँ। तो दाल के साथ ही मैं यहाँ पर एक हरी मिर्ची, अगर आप खाते हैं तो डाल सकते हैं, एक छोटा अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है और इनको हम बंद करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लिया है यहाँ पे। तो देख सकते हैं इस टाइप का हमें यहाँ पेस्ट बनाना है। तो पानी का बिल्कुल यूज़ मैंने नहीं किया है यहाँ पे और बिना पानी के ही ये अच्छे से हमारी ग्राइंड हो जाती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। यहाँ मैंने सारी दाल को बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। यहाँ आप चाहे तो इसमें थोड़ा ग्रीन पत्ता या फिर करी पत्ता या फिर हरा धनिया कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप खाना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड। तो यहाँ मैंने 1 पिंच हींग ली है, थोड़ा सा यहाँ पे ओरिगानो। तो ओरिगानो है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और यहाँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आप चाहे तो यहाँ ग्रीन चिली भी चॉप करके कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है। यहाँ डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और नमक डालने के बाद में हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ सारी चीज़ों को हमें एक साथ मिक्स कर लेना है और मिक्स हमें एक ही साइड से करना है, ये नहीं कि बार बार एक दो दूसरी साइड से चेंज करके हमें इसको मिक्स करना है। एक ही साइड से प्रॉपर इसको मिक्स कीजिए अच्छे से। तो जितना हम इसको फेटेंगे उतना ही फ्लफी ये दाल हमारी हो जाएगी। और इसमें किसी भी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनो वगैरह का कुछ भी यूज़ नहीं हमें करना है। तो सिंपली हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट होती है। तो ये चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन को हीट होने के लिए रख दिया मैंने ऑलरेडी। यहाँ पे लेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, तो यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। आप जो ऑयल यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से चारों तरफ मैंने ऑयल को यहाँ फैला दिया है ताकि बहुत थोड़ा सा ही ऑयल हमें लेना है। और यहाँ पर जो हमने बैटर अपना बनाया है वो हम 2 चम्मच लेंगे और इस पे चारों ओर अच्छे से फैला देंगे। बट हल्के हाथों से इसको आप फैला दीजिए। अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट हैं तो आपका हाथ जल्दी भी चल सकता है, बट बिगिनर्स हैं तो आप बहुत हल्के हाथों से इसको फैलाइए, जिस तरह से मैं फैला के आपको दिखा रही हूँ। और इसी तरह से फैला के हमें इसको 1 से 2 मिनट कुक करना है। तो फ्रेंड्स, इतने में इसे को फैला रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। सो हमारा तो ये मूंग की दाल का चीला भी यहाँ पे एक साइड से अच्छे से पक गया है और इसको हम पलट देंगे। तो हमें ना ही ज़्यादा तेल का यूज़ करना है, ना चाहिए ज़्यादा मसाले का। तो घर में इजीली सभी के ये चीज़ें होती हैं तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। आपका वेट भी अच्छे से मेंटेन रहेगा और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिट है। बस दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहें तो इसमें तेल का यूज़ कर सकते हैं और भी, बट मैंने ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं किया है यहाँ पर। और इसको ऐसे ही मैंने पकाया है, बस दोनों साइड से पलटते हुए, जब तक कि दोनों साइड से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए इसको हम तो सेकना है। बस ऐसे ही अलट पलट करके हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए, मेरा यहाँ पे 1 चीला मूंग की दाल का बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आया है। और ऐसे ही बाकी सारे चीले भी मैं बना के यहाँ पे तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ सारे मैंने चीले बना लिए हैं और देख सकते हैं आप इनका कलर, और एकदम परफेक्ट लग रहे हैं दिखने में और खाने में भी उतने ही टेस्टी लगेंगे। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।